सो दोस्तों, दिस इज द पार्ट टू ऑफ फेसबुक ऑर्गेनिक मार्केटिंग, राइट। यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे ओवरऑल ये स्ट्रेटजी काम करती है जिसको बोलते हैं फेसबुक ऑर्गेनिक मार्केटिंग की। अब आप इसको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज करो, या अपने कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यूज करो, या फेसबुक को जस्ट बिजनेस करने के लिए यूज करो, वो डिपेंड करता है आप पे। तो आज हम लोग ये पूरा ओवरऑल स्ट्रेटजी सीखेंगे कैसे ये फेसबुक पे अप्लाई की जाती है, राइट। आप इसको ओवरऑल एक फनल बोल सकते हो। इस फनल के अंदर बहुत अलग अलग और भी टाइप के फनल होते हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख लें। सो दिस इज द आइडिया, मत लेट्स गो। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले क्या समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस सीरीज का। अगर आप इस चीज को मिस कर दोगे, ट्रस्ट मी, आप सही से आगे काम नहीं कर पाओगे, राइट। तो ध्यान से समझना कि कैसे ये पूरी स्ट्रेटजी काम करती है। सबसे पहले तो आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, या आपकी कोई सर्विस होनी चाहिए, या आप कोर्स क्रिएटर हो तो आपका कोर्स होना चाहिए, राइट। एफिलिएट मार्केटर हो तो आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में समझ लिया है कि कौन सी ऑडियंस के लिए है, क्यों है, और ये कैसी हेल्प करती है लोगों की, राइट। कौन से ऑडियंस के लिए है, क्यों है, और कैसे ये लोगों की हेल्प करती है, ये आपको समझ लेना है। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट, राइट, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। एक आपका प्रोफाइल होता है, फेसबुक प्रोफाइल बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो मैं इसको FB प्रोफाइल लिख देता हूँ, FB प्रोफाइल। डोंट गो ऑन राइटिंग, राइट, आई एम यूजिंग माउस तो ऐसा हो सकता है, ओके। सो जस्ट चिल, राइट, मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट ऐसा लिखना पड़ता है, FB प्रोफाइल, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मैं ले लूँ तो इसको बोलते हैं फेसबुक ग्रुप्स, राइट। तो इसको हम FB ग्रुप्स ले लेते हैं, FB ग्रुप। अब यहाँ पर देखो इनके अंदर है क्या, इनके अंदर है ट्रैफिक, राइट, जिससे आपको सेल आएगी और आपका बिजनेस दौड़ेगा। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है वर्ल्ड में जो बिना ट्रैफिक के रन करे, कोई भी बिजनेस नहीं, राइट। तो ट्रैफिक मास्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको फेसबुक पे ऑर्गेनिक अगर काम करना है तो यहाँ दो ही ऑप्शन है इस वक्त। पहले एक और ऑप्शन था जिसको बोलते थे फेसबुक पेज, बट फेसबुक पेज अगर देखोगे आप तो उसकी ग्रोथ ना के बराबर है आज के समय में, राइट। यहाँ पर आपको दो चीज़ मिलती है, एक फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक ग्रुप, जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है फॉर फ्री ट्रैफिक, और आज भी लोग इससे हजारों रुपए जनरेट करते हैं। आप देखते हो ना, जो $1,000, $5,000, $10,000, $20,000 के सेल्स क्लोज होते हैं, क्लाइंट्स लोग क्लोज करते हैं, वो इन दोनों के ही जरिए क्लोज करते हैं, राइट। तो अब फेसबुक के लिए भी, सॉरी, फेसबुक प्रोफाइल के लिए भी एक अलग फनल बनता है, और ग्रुप जो होता है आपका FB ग्रुप, उसके लिए भी एक अलग फनल बनता है, और इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो फनल्स की बात हम लोग आने वाली वीडियोस में करेंगे, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि फेसबुक प्रोफाइल का फनल कैसे बनता है और फेसबुक ग्रुप का फनल कैसे बनता है। यहाँ पर आप समझ लो ये दोनों चीज़ का यूज़ किया जाता है ट्राफिक के लिए, सेल्स क्लोजिंग के लिए, राइट। तो ये स्टेज आपको समझ में आ गया कि यहाँ से हमें मिलेगा ट्राफिक, ठीक है। तो ये हुआ आपका दूसरा स्टेज कंप्लीट, राइट, सेकेंड स्टेज। अब देखो, जैसा कि मैंने जो आपको शॉर्ट फनल्स बनाने के बारे में कहा, ठीक है, तो ये जो शॉर्ट फनल्स रहेंगे ये आपके ऑडियंस को भी डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? डिनोट मतलब दर्शाएंगे, ठीक है, समझ लो। तो अब आपको ना इसके अकॉर्डिंग, आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कॉन्टेंट, राइट। आप क्या कर रहे हो भाई? आप कर रहे हो ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग से क्या होता है? कंटेंट होता है, राइट, मतलब कंटेंट से लोग आप तक पहुंचते हैं। कंटेंट मेन बोलते हैं ना, कोर होता है, मतलब कि उससे ही लोग वहां तक पहुंचेंगे, आप तक पहुंचेंगे, आपके प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे, राइट। जो भी लोग फ्री मार्केटिंग करते हैं, लाइक आप भुवन बम देखो, वो क्या करते हैं? कंटेंट बनाते हैं, राइट। बीबी के वाइंस, वो क्या करते हैं? कंटेंट बनाते हैं, और उनके जैसे बहुत सारे क्रिएटर कंटेंट बनाते हैं। आप उनके फ्री कंटेंट को देखने जाते हो, मतलब वो अपने कॉन्टेक्ट से अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं, उससे उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, उनके ऑडियंस से वो अपने मर्चेंडाइज बेचते हैं या जो भी प्रमोशंस करते हैं, ये सारी चीज़ों से उनको पैसा जनरेट होता है। तो उन्होंने क्या किया? कॉन्टेंट बनाया, अपनी ऑडियंस को बुलाया। तो यहाँ पर भी फेसबुक पे भी जो ये तीसरा स्टेज होता है कॉन्टेंट का, इसको हम स्टेज लिख देते हैं, तीसरा स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको कोर स्टेज भी बोल सकते हो, कोर स्टेज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज। बट यहाँ पर किस प्रकार का कंटेंट होता है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले पार्ट में। यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, ओके। अब ये जो ट्राफिक है, ये लोग आपके कोर कॉन्टेंट पे आएंगे,
राइट, आप कंटेंट किस प्रकार का बनाओगे, कैसे बनाओगे, कैसे वो ऑडियंस को हिट करेगा, क्या साइकोलॉजी यूज होती है, कैसे फास्ट आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, किस प्रकार के कंटेंट लोगों को फास्ट अट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ हम सीखेंगे नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में। तो उसको आपको सोचना नहीं है, अभी सिर्फ क्या सोचना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको समझाया कि प्रोफाइल और ग्रुप, उसके बाद मैंने आपको समझाया कि इससे आएगा ट्रैफिक, उसके बाद कॉन्टेंट। अब कंटेंट में आने के बाद आपको जो फोर्थ स्टेज कंप्लीट करना है और जो सीखना है वो होता है भैया रिलेशनशिप, राइट। बिना रिलेशनशिप के कोई भी सेल डन नहीं होती है। रिलेशनशिप मतलब ट्रस्ट। इजी अगर मैं बताऊं आपको, अगर मैं 1.5 लाख का मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इस कंपनी पे आँख बंद करके ट्रस्ट है, राइट। तभी तो मैंने 1.5 लाख रुपए दे दिया ना उनको। मैं जानता हूँ कि इसकी सिक्योरिटी अच्छी है, इसके जो ऐप्स हैं वो फास्ट हैं, इसका इकोसिस्टम है वो अच्छा है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, तभी तो मैंने इतना पैसा दिया ना, तभी तो बाय किया। वरना नॉर्मल फ़ोन्स भी आते हैं जो आपको 10-20-30 हज़ार के मिल जाएंगे, लाइक ये फ़ोन है मेरे पास, इसकी कीमत 20 हज़ार रुपये है, राइट। तो ऐसे आपको और भी फ़ोन्स मिल जाएंगे, बट लोग क्यों 1.5 लाख रुपए स्पेंड करते हैं? सिर्फ यहाँ ट्रस्ट ही नहीं आता, यहाँ पर और भी फीचर्स हैं, और भी चीज़ें, बट ट्रस्ट एक बहुत बड़ी लाइन है, पॉइंट है, जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा एक्सचेंज कर पाते हैं और ऐसे डिवाइस ले पाते हैं या कोर्सेज या सर्विस ले पाते हैं। उनको अपग्रेड करना होता है, उनको अपना इन्वेस्टमेंट करके भाई लाइफ में ग्रो होना रहता है, जिसको सेल्फ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट जुड़ जाएंगे। बट अगर वहाँ ट्रस्ट नहीं होगा ना तो वो डील कभी नहीं होगी, राइट। ट्रस्ट होगा तभी तो डील होगी, ट्रस्ट पे दुनिया चल रही है, राइट। तो ट्रस्ट कैसे बनाए, कैसे बनता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आगे। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होता है, जिसको फिफ्थ स्टेज बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भैया सेल। अब सेल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं चीज़ों को, कैसे बात करते हैं लोगों से, क्या क्वेश्चंस करते हैं, कैसे लोगों को इनबॉक्स तक लाते हैं, मतलब मैसेज बॉक्स तक, उसमें कैसे मैसेज करते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे पूछा जाता है, ये सारे डिटेल्स हम सीखने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो यहाँ पर आपको जो मैंने समझाया कि ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होती है, वो चीज़ समझ लो। नंबर वाइज सबसे पहले आपका प्रोफाइल और ग्रुप रेडी होना चाहिए विथ प्रोडक्ट, राइट। इसको बोलते हैं हम भैया स्टेज वन। स्टेज टू में आपको समझ में आ गया कि ट्रैफिक ही वो की है जिससे आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो ट्रैफिक यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ट्रैफिक के बारे में सीखना है कि ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक कैसे काम करता है, कौन से लोग आपके प्रोडक्ट के लिए चाहिए। फिर उसके बाद आपका थर्ड स्टेज आता है भैया कॉन्टेंट, किस प्रकार का कॉन्टेंट बनाना है। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेज आता है कि कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है ताकि हम बड़ी सी बड़ी डील क्लोज कर सकें। उसके बाद फिफ्थ आता है सेल्स, और यहाँ पर ही आपको मिलता है पैसा। तो ये पूरा प्रोसेस है, ऐसे करके ये एफबी मार्केटिंग, जो ऑर्गेनिक एफबी मार्केटिंग होती है, वो काम में आती है। और इसको अगर आप सही से प्रैक्टिस करते हो तो मुझे जहाँ तक लगता है और जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये आप सिर्फ 30 से 35 दिनों में कर सकते हो। काफ़ी अच्छा खासा प्रोफाइल, एक मैग्नेटिक फनल बना के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो और अपनी महंगी सी महंगी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ट्रस्ट मी, महंगे से महंगा प्रोडक्ट। मेरे पास ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो इसमें एक्सपर्ट है, राइट, इस फेसबुक मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। वो कम से कम नहीं भी तो 5-5, 10-10 हज़ार की डील क्रैक करते हैं। और ये जो हज़ार बोल रहा हूँ, ये रुपीज़ में नहीं बोल रहा हूँ, मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। तो वो ये लोग ऐसा इतना बड़ा बड़ा डील सिर्फ फेसबुक से, ऑर्गेनिक मार्केटिंग से कर पा रहे हैं। ये कैसे होता है, कैसे काम में आता है, मैंने बहुत ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस किया है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि मैंने कितना इससे जनरेट किया है, मैंने शुरुआत ही इससे की है। तो अगर आप भैया अभी भी सीरियस नहीं हुए हो फेसबुक मार्केटिंग के लिए तो सीरियस हो जाओ, लाइक कर दो इस वीडियो को, नए मेहमानों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन जरूर प्रेस कर लो। नेक्स्ट वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो आ चुकी हैं चैनल पर तो जाके देख लो, और अगर आप फ्रेश ये वीडियो देख रहे हो तो वेट करो, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, बेल आइकन दबा के रखना। और कमेंट करके बताना कि आपको यहां पर जो भी चीजें मैंने बताई है, 5 स्टेज बताया, उसमें से क्या क्लियर नहीं है और क्या आप सही से सीखना चाहते हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको और ज्यादा क्लेरिफाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।